किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि धनिया की खेती कैसे करें, और धनिया की खेती जो होती है इसकी सारी प्रक्रिया आपको यहां पर हम बताएंगे। ये जो हमारा आप खेत देख रहे हैं इसमें धनिया लग चुकी है, और यही प्रक्रिया हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसको आसानी से सीख करके धनिया की खेती कर सकें। देखिए, सबसे पहले जो हम इसकी समय होती है इसको जान लेते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप इसकी धनिया की बुआई कर सकते हैं। चाहे जो नया किसान हो या पुराना किसान हो, आप अपने यहाँ की जो मार्केट है उसकी स्थिति क्या रहती है उस आधार पर भी आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कब बुआई करनी है। वैसे सामान्यतया ये सभी फसलें जो हैं ये पूरे वर्ष भर उगाई जाती हैं, पूरे वर्ष भर इनका उत्पादन होता है, लेकिन जो ठंड का महीना होता है ठंड के महीने में इसका उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप नए किसान हैं तो ठंड के महीने से आप शुरुआत करें, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ये प्रक्रिया आप शुरुआत में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को करनी होती है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में हमें करना ये है, यहाँ हम आप लोगों को जो भी आंकड़े देंगे वो 1 एकड़ के लिए देंगे। आपको जो कम ज़्यादा करना है आप उसमें से घटा और बढ़ा लीजिएगा। तो जब हम इस खेत की तैयारी करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि 2-3 जुताई अच्छी से कर दीजिए, और उसके बाद उसमें जो गोबर की खाद है वो अंतिम जुताई के समय आप मिक्स कर दीजिए, तकरीबन 4 या 5 ट्रॉली। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप DAP का सहारा ले सकते हैं। DAP तकरीबन 1 क्विंटल 20 किलो आपको प्रयोग करना होगा 1 एकड़ के लगभग खेत में, और ये जो है आपकी अंतिम जुताई के समय ही ये सारी प्रक्रिया संपन्न करवा दी जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं बीज पर कि जब इसकी हम बीज की बुआई कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो प्रक्रिया होती है थोड़ी सी अलग होती है। सबसे पहले हम जो इसकी जो बीज होती है इसको एक लकड़ी की पटरी पे रखते हैं, और ऊपर से लकड़ी की पटरी के द्वारा ही बीज को हम 2 दानों में तोड़ देते हैं। जैसे मटर होती है हमारी उसमें 2 दाल होती है, तो उसी तरह जो धनिया होती है एक गोल वाले बीज में 2 प्रकार मतलब कि 2 धनिया निकल सकती है, 2 धनिया का पेड़। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे तोड़ देते हैं जिससे हमारी जो बीज होती है ये कम लगती है, और जो धनिया का पौधा होता है ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा मोटा और ज़्यादा वजनदार होता है। तो हमको पहले लकड़ी की पटरी पर रख करके उसे रगड़ देना है, और हल्के हाथों रगड़ना है जिससे वो सिर्फ 2 पार्ट में टूटे। और आप घबराएं नहीं, वो आसानी से टूट जाती है, जब आप एक बार रखेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सभी दानों को तोड़ने का प्रयास ना करें। तकरीबन 70 से 75% जो दाने होते हैं उसको अगर आप तोड़ ले जा रहे हैं तो ये काफ़ी है। तो हम जब इस दाने को तोड़ दिए हैं उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया आती है उस दाने को हम भिगो देते हैं, एक सूती कपड़े में बांध करके भिगो देते हैं। उसमें आप जो बीज होती है ये ट्राइकोडर्मा या फिर अन्य चीज़ों के द्वारा आप इसका शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आप पानी में रख दिए, फिर उसे 6 घंटे बाद निकाल करके रख देते हैं, वो सूख जाती है और समस जाती है, बोलते हैं कि नमी ज़्यादा हो जाती है जिससे अंकुरण में काफ़ी सहायता मिलती है। अब जब बीज आप भिगो करके अलग रख दिए हैं, सूख गई है हल्का सा सिर्फ पानी मर जाना ही, तो जो राख होती है हमारे यहाँ जो चूल्हों में निकलती है जो कंडे की राख होती है उसको हम उस बीज के ऊपर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से हमें जो बीज है ये खेत को छींटने में खेत में आसानी होती है, तो आप उसमें मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जो 10 किलो बीज आपको लगेगी 1 एकड़ खेत के लिए, अब आप मिक्स कर लिए हैं, मिक्स करके आप पूरे खेत में जैसे गेहूं की हम बुआई करते हैं पूरे खेत में गेहूं की बीज फेंक देते हैं, तो उसी तरह आप पूरे खेत में जो धनिया है इसको फेंक दीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखें, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, खेत की नमी लड्डू बननी चाहिए मिट्टी, तभी आप बुआई करें। अगर ऐसी परिस्थिति में लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप खेत की सिंचाई कर दीजिए हल्की, और उसके बाद जब जुताई आ जाए तब आप जुताई करके तब आप धनिया की बुआई करें। नमी नहीं है तो आपकी जो धनिया की जमाव प्रक्रिया है इस बाधित हो जाएगी, और सही जमाव ना आने की वजह से आपकी फसल मारी जाएगी। तो पर्याप्त नमी होने पर ही आप ऐसा करें। अब जब आप पूरे खेत में इसकी बुआई कर दिए हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है मेड़ बनाने की। जो मेड़ हमारी बनाई जाती है तकरीबन 10 फीट से लेकर के 15 फीट चौड़ी हम रखते हैं, और तकरीबन 25-30 जैसा भी आपका खेत हो उस तरह उसकी लंबाई रखते हैं क्यारियों की। जैसा आप हमारे खेत में देख पा रहे हैं 15 फीट चौड़ाई हम लिए हुए हैं,
और इसके साथ साथ जो हम लंबाई रखे हुए हैं ये 25 से 30 फीट रखे हुए हैं, इसी तरह आपको कर देना है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जब हम धनिया फेंक देते हैं खेत में तो उसके बाद उसके ऊपर रूटावेटर चलाते हैं। रूटावेटर चलाने से हमारी जो बीज है ये नीचे चली जाती है, जिससे नमी उसे पर्याप्त मिलती रहती है। तो ये काम आप मत भूलिएगा, ऐसा करके हमारा काम संपन्न हो जाता है। अब जब हम देख रहे हैं कि हमारी धनिया थोड़ी बड़ी बड़ी होने लगती है, तकरीबन अंकुरण से बाहर आ जाती है, एक दो पत्तियां निकल जाती हैं, तो ऐसे में अगर नमी की कमी महसूस हो रही है तो हम पूरे खेत की सिंचाई कर देते हैं। और जो धनिया की खेती होती है तकरीबन इसकी सिंचाई आप 10, 12 और 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, जिस प्रकार की आपकी मिट्टी होती है। तो ये प्रक्रिया रही, ये धनिया की खेती की वीडियो का पार्ट वन है। आगे आने वाली वीडियो में आपको आगे की जानकारियाँ दी जाएंगी। तब तक के लिए हम चलते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।